सुप्रभात, मैं प्रसिक प्रसाद कक्षा 5 से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भाषण लेकर आया हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, इस विद्यालय के निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, ग्रामवासियों, उपस्थित अभिभावकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, यह हमारी राष्ट्र पर्व है। अब हम गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमारे देश को स्वतंत्रता और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक वीर सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, मगर आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानताएं जैसी समस्याएं हैं। तो आइए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। अंत में मैं अपनी भाषण की समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।